हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे BLS ई सर्विस लिमिटेड से रिलेटेड। BLS ई सर्विस, BLS इंटरनेशनल एक पॉपुलर स्टॉक से रिलेटेड ये उसका एक छोटा पार्ट है, कह लीजिए उसकी एक सब्सिडरी है। ठीक है, एक अच्छा खासा काम करती हुई कंपनी है, तो इससे रिलेटेड जानेंगे। क्यों जानेंगे? क्योंकि अभी फिलहाल ही की इसकी लिस्टिंग है और इसने 424 का हाई बनाने के बाद ना ये शेयर अभी 200, आप देखेंगे 205 तक इसी ये लो आया था और 247 पे चल रहा है। तो क्या ये एक अच्छी बाइंग है या इसे इग्नोर करना चाहिए? कैसा ये शेयर है, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीजों को सीखना है। जितना सीखेंगे उतना अच्छा काम करते हुए नजर आएंगे, उतना ज्यादा पैसा बनाते हुए नजर आएंगे। और सीखने के लिए वीडियोज है, जाइए जाके देखिए, बहुत सारी वीडियोज यहाँ पर डेली बेसिस पे बनाई जाती है। और आपको अगर बारीकियां सीखनी है, आप अगर करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, एक एज अ करियर बनाना चाहते हो, अच्छे खासे पैसे कमाना चाहते हो, तो सीखना बहुत जरूरी है। टू अर्न मोर फर्स्ट लर्न मोर। 88605405018169261037 दोनों नंबरों को सेव कर लीजिए। बेसिक्स टू एडवांस, टेक्निकल, रिसर्च, फंडामेंटल, शेयर कब भागते हैं, शेयर कब गिरते हैं, क्यों भागते हैं, क्यों गिरते हैं, ये क्यों क्या कैसे के जो जवाब है ना, ये एक बार मिल गए उसके बाद जर्नी आसान हो गई। राइट, स्टेज 1, 2, 3, 4 क्या होती है वो सब समझ में आएगा। 25,000 रुपये कोर्स है, 3 मंथ्स की हैंड होल्डिंग, स्ट्रेटेजी यूज इन स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन नोट्स, सब कुछ सिखाया जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और साथ में अगर काम करना चाहते हो तो भी इन नंबरों पे कॉन्टेक्ट करिए, काम आप हमारे साथ मिलकर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, BLS ई सर्विस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। BLS ई सर्विस लिमिटेड डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर दैट ऑफर्स बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस सर्विस टू मेजर बैंक्स इन इंडिया, असिस्टेड ई सर्विसेज एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज एट ग्रास रूट लेवल इन इंडिया, है ना। तो ग्रास रूट लेवल पे यहाँ पर ई गवर्नेंस सर्विसेज, है ना, यहाँ पर ये जो ई सर्विसेज को असिस्ट करता हुआ नजर आता है। कुछ मेजर बैंक्स हैं इंडिया में, उनको यहाँ पर कैटर करता हुआ नजर आता है। तो कंपनी BLS इंटरनेशनल की है ना, ये हमें पता है। अच्छा खासा कंपनी का काम है। यहाँ पर और जाके आप देखेंगे ना इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड, तो आपको समझ में आ जाएगा। थ्रू अ टेक एनेबल इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल वी प्रोवाइड डिजिटल एंड फिजिकल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन द G2C, B2C, B2B कैटेगरी इन सेमी अर्बन, रूरल एंड रिमोट एरियाज वेयर पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट इज लो एंड द सिटीजन नीड्स असिस्टेंस इन द अवेलिंग बेसिक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एनेबल सर्विसेज, है ना। तो ये सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती हुई नजर आती है। तो जाके आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करिए, इनकी सर्विस से रिलेटेड जानिए कि कंपनी यहाँ पर क्या करती हुई नजर आती है, B2C में क्या है, B2B में क्या है, गवर्नेंस टू सिटीजन्स सर्विसेज क्या है, वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पर एक आइडिया लगता हुआ नजर आएगा। ठीक है ना, आपको यहाँ पर अच्छा खासा कंपनी के बारे में पता चल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात यहाँ देखिए मार्केट कैप 2245 करोड़ रुपए की कंपनी है। मतलब क्या है, स्मॉल कैप। जब मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो दो चीज याद रखिएगा, हमारी एक्सपर्टीज इसमें, इसलिए आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर हमारे चैनल का नाम है। दूसरा, हमारा काम भी इसी पर्टिकुलर शेयर में, ऐसे ही शेयरों में होता है। तीसरी बात कि जब मैं यहाँ पर स्मॉल कैप की बात करूं तो याद रखिएगा, जब शेयर गिरता है उसी तरीके से गिरता है, अच्छे खासे तरीके से गिरता है। स्मॉल कैप शेयर, मिड कैप शेयर और माइक्रो कैप शेयर रिस्क होती है, तो अपनी रिस्क को हमेशा ध्यान में रखना है और उसी हिसाब से यहाँ पर काम करना है। और जब भागते हैं तो उसी तरीके से पैसे भी बनाते हैं। स्टॉक पीई की बात करें 58 का पीई है। इंडस्ट्री के पीई की बात करें तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा 39 का है। तो कहीं ना कहीं महंगा नजर आता है, बट स्टिल मैं हमेशा कहता हूँ कि पीई के बेस पे कभी काम नहीं करना, पीई जस्ट अ मिथ। ROC, ROE की बात करें 16% और 11% के आसपास है रिस्पेक्टिवली, अच्छी खासी नहीं है। ठीक है, जो जिस तरीके से अगर चीजों को देखा जाता है, बट स्टिल ROC, ROE प्राइस के साथ साथ बढ़ती भी नजर आती है। डेट फ्री शेयर है, पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर कुछ और चीजों की बात करें तो इंट्रेंसिक वैल्यू 258 के आसपास है, तो उसी के आसपास शेयर भी आ गया है। 10 की फेस वैल्यू है। आगे चल के जब कंपनी अच्छा खासा बढ़ जाएगी तो यहाँ पर आपको स्प्लिट भी मिलता हुआ नजर आएगा और बोनस भी मिलता हुआ नजर आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और जान लेते हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर चीजें समझ में आएगी कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी यहाँ पर आप देखेंगे 69, 73, 75 इस तरीके से कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। एक रेंज में काम हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर 70 करोड़ रुपीस की रेंज में, 70, 75 और 80 करोड़ की रेंज में काम हो रहा है। बट उसमें भी आप देखेंगे कंपनी घाटे से धीरे धीरे प्रॉफिट में आई है, 13 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही है, उसमें अदर इनकम का भी पार्ट है। ठीक है, कंपनी यहाँ पर ईयरली बेस पे देखोगे तो काफी अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाई देगा, बट आप देखेंगे कि कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रही है, ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं कर रही है, तो इस चीज को याद हमेशा रखिएगा। दूसरी बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी 2021 में 64 करोड़ रुपए का काम था, चलते चलते 300 करोड़ के आसपास का ईयरली बेस पे काम हो गया। ये अच्छे फिगर है। जब इस तरीके के फिगर आते हैं ना तो शेयर प्राइस बहुत अच्छे तरीके से मूव करता हुआ नजर आता है। ठीक है, बट ऐसे शेयर प्राइस हमें सही टाइम पे पता चले तभी यहाँ पर पता चलता है, तो इसी चीज को का ज्ञान हम यहाँ पर देते हुए नजर आते हैं। रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए रिजर्व्स, यहाँ पर आप देखेंगे 340 करोड़ के रिजर्व्स है। बोरिंग की बात करें 7 करोड़ के बोरिंग है, 15 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। कैश की बात करें यहाँ पर कंपनी के पास अच्छा खासा यहाँ पर 252 करोड़ रुपए का कैश है, पॉजिटिव कैश फ्लोज नजर आते हैं। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 69% की होल्डिंग है। एफआईज भी यहाँ पर होल्ड करते हैं, बट एफआईज ने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी कम करी है, ध्यान रखिएगा। डीआईएज अभी होल्ड करते नहीं है। पब्लिक की बात करें 25% के शेयर यहाँ पर है, ओके, और 25 में भी 4.55% के इनके पास है, जो कि सुनब कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें एफआईज बेच रहे, डीआईएज बेच रहे, तो खरीद कौन रहा है? नॉर्मल पब्लिक खरीदती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो आपके मेरे खरीदने से कभी शेयर नहीं बढ़ता, तब बढ़ता है जब यहाँ पर एफआईडीआईज खरीदते हैं। उस चीज को भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि आप और मैं कितने खरीदना, 1000, 2000, 5000, 10000, एक लिमिट है हमारे पास पैसों की। बट म्यूचुअल फंड के पास लिमिट नहीं है, उनके पास हम हर महीने पैसे आ रहे हैं 20,000 करोड़, वो दबा के पैसा डाल सकते हैं, तो इस चीज को आपको सोचना है। यहाँ पर आप देखेंगे L7 हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड ने 5,20,000 शेयर 255 के भाव पे खरीदे है। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो अभी हम बात करें तो एज सच डेटा हमारे पास नहीं है। ठीक है, एज सच हमें यहाँ पर चार्ट में यहाँ पर फंडामेंटल भी ऐसे साइड पे से चलते हुए नजर आ रहे हैं, बट स्टिल क्या कुछ हो सकता है उससे रिलेटेड बातें करेंगे। चार्ट बहुत कुछ कहता है, ठीक है, तो चार्ट में क्या दिख रहा है वो बात करेंगे, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीजों को सीखना है, और सीखने के लिए वीडियो साथ में काम करना है, काम कर सकते हैं, नंबरों को नोट कर लीजिए, है ना। सब कुछ आपको यहाँ पर A1 पॉइंट सोल्यूशन है जो कि आपको मिल जाएगा। देखिए शेयर आया, आने का हाई लगाया, ठीक है, डबल टॉप बनाया, डबल टॉप ऑलरेडी खतरनाक होता है, शेयर गिरता हुआ भी नजर आया अच्छा खासा। मुझे लगता है यहाँ पर एक बेस शायद बन गया है। अभी मैं शायद वर्ड का यूज इसलिए कर रहा हूँ क्यों, क्योंकि इसकी हिस्ट्री ज्यादा नहीं है। जब इसकी हिस्ट्री ज्यादा हो जाएगी तो मैं शायद वर्ड यहाँ पर हद से हटा दूंगा। अभी लगभग 6-7 महीने की यहाँ पर हिस्ट्री है, तो इसे अभी इग्नोर करते हैं। कंपनी अभी कर रही है क्या यहाँ पर नजर आता है, उससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब देखेंगे लगातार गिर रहा है, तो स्टेज 4 में ये शेयर चल रहा है, और शायद स्टेज 4 कंप्लीट हो चुकी है और स्टेज 1 में यहाँ पर आ चुका है। क्या होती है स्टेज 1, 3, 4, यहाँ पर जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तब यहाँ पर बातें करेंगे। अभी यहाँ पर स्टेज 1 में चलेगा, थोड़ा सा यहाँ पर एक लंबा कंसोलिडेशन 3-6 महीने का भी हो सकता है लगभग। और अगर पैसा आता है, लोग पैसा डालते हैं, कोई बड़ा लोग आते हैं, तो यहाँ पर शायद उस टाइम मूवमेंट दिखाई दे। आपको कब एंट्री करनी है? आपको एंट्री करनी है 255 के हिसाब से। 255 पे आए, एक छोटा सा स्टॉप लॉस 250 रुपए का लगाइएगा, 5 रुपए का रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, या फिर शेयर यहाँ पर आए, ठीक है, 206 रुपए के आसपास, तब यहाँ पर आप अगेन 4-5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइएगा। इस शेयर को उस तरीके से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को स्टडी करके, है ना, आपको यहाँ पर डिसाइड करना है, मेरे कहने या किसी और के कहने पर नहीं लेना है। तो निकलेगा तो यहाँ पर एक 3C पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर पहला टारगेट 290 का बनेगा। ठीक है, जब अगर ये 256 के ऊपर गया तो 290 का पहला टारगेट, उसके बाद ये शेयर 300 रुपए की तरफ बढ़ेगा, फिर 350 की तरफ बढ़ेगा, और फिर यहाँ पर जो इसका हाई था ना उसकी तरफ बढ़ेगा। जब भागेगा तब अच्छे खासे तरीके से भागेगा, बट क्या अभी भागता हुआ नजर आ रहा है? अभी ऐसे कोई कॉन्सिक्वेंसेस बन नहीं रहे, ऐसा कुछ यहाँ पर खास अभी नजर नहीं आता। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर से शायद ये शेयर थोड़ा लंबा कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आएगा, और जब ये कंसोलिडेशन से निकलेगा इस शेयर की तरफ नजरें बनाइएगा, इस शेयर को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की और खुद की स्टडी करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये शेयर आपको 100, 200, 300% तक के भी रिटर्न नीचे से देता हुआ नजर आएगा। तो हरी करनी नहीं है, जल्दबाजी करनी नहीं है, शांति से, समझदारी से, दिमाग को थोड़ा सा कोशिश करके यहाँ पर काम करना है। काफी लोग इस लेवल पे फंसे होंगे, अगर वो इस लेवल पे फंसे हुए हैं, ठीक है, तो व्हाट आई वुड से कि यहाँ पर चीजों को ऑलरेडी गिर चुकी है, ठीक है, बेस शायद बन चुका है। एक आध दो क्वार्टर का वेट करिए, चीजें जब निकलेगी तो यहाँ तक भी जाएगी और यहाँ से फिर और ऊपर तक भी जाएगी, 1000 भी टच करेगी, 1500 भी टच करेगी, बट शांति से काम करेंगे तब। अगर इसलिए जल्दबाजी में कभी शेयर नहीं लेना, स्टॉप लॉस को फॉलो करना है, इस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काम करना है। जब ये सब चीजों को फॉलो करोगे ना, एक प्रिंसिपल बनाओगे, एक स्ट्रेटेजी बनाओगे, तो हमेशा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। अगर आंख बंद करके कुछ भी कभी भी किसी भी भाव पे खरीदोगे तो फिर वो आपको केवल लॉस देगा। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करना है। नंबर दे रखे, कोर्स करना है, सीखना है, सीखने के साथ में काम करना है तो भी नंबर दे रखे, बात करिए। थैंक यू सो मच, गॉड